पास हुए और मेरा सिलेक्शन राजस्थान जूनियर इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट से हुआ है। मैं आदिभट्ट कॉलेज का ही सिविल का स्टूडेंट हूँ। मैं इस अचीवमेंट के लिए पहले तो मेरे पेरेंट्स और आर्यभट्ट कॉलेज के मैनेजमेंट और सभी जो टीचर्स गण हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैडम, हमेशा नगर निगम की तरफ से राउंड दिन का कार्यक्रम होता है, इस बार क्या रहेगा राउंड? वैसे तो देखिए, कोरोना गाइडलाइन की जो चल रही है अभी कोरोना गाइडलाइन, तो उसके हिसाब से तो अभी सरकार का बिल्कुल आदेश है, मतलब सख्त निर्देश है कि कोई धार्मिक आयोजन या जहाँ पब्लिक इकट्ठा होती है वो सब प्रोग्राम अभी नहीं करने। तो निगम की तरफ से वैसे तैयारी थी, लेकिन अब राज्य सरकार का आदेश है तो इसलिए अभी हम कोई भी प्रोग्राम नहीं रख रहे। जैसे डांडिया का प्रोग्राम रहता था वो भी नहीं है, और रावण दहन का वो भी नहीं है, और अभी फ़िलहाल में जो नवरात्रि चल रहे तो गरबा का भी आयोजन नहीं चल रहा है। तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी सरकार ने ऐसा निर्देश दिए कि कोई भी प्रोग्राम नहीं होंगे, तो वो गाइडलाइन की पालना करते हुए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। रामलीला का जो कार्यक्रम होता है जमारंग में, वो सब कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा। इस बार पब्लिक को क्या कहना चाहोगे आप इस बार कार्यक्रम? पब्लिक को तो यही कहना चाहूँगी, जो कोरोना अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, तो अभी आप थोड़ा इतने 2 साल जब आपने धैर्य रखा है तो इस बार भी थोड़ा रखें। अगली बार अपन फिर अच्छे से फंक्शन करेंगे सारे और सभी साथ मिलकर करेंगे, तो फिर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। हाँ, अभी तो फ़िलहाल आप मास्क लगाएं, सैनिटाइजर करें, मैं तो खुद तो यही कह रहे हैं। वैसे तो अपने राजस्थान में भी कोरोना के कोई पेशेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा सतर्कता रखें तो ज़्यादा बढ़िया है, ताकि ये बीमारी अगर किसी एक को भी हुई तो वो तेज़ी से फैल जाएगी। तो अगर ठीक है इस बार नहीं है, आम पब्लिक को यही कहना चाहूँगी कि अभी कोरोना गाइडलाइन की पालना करें और अभी भीड़ भाड़ से बचें, और जो भी प्रोग्राम है अपने घर में करें, बाहर तो कम से कम निकलें, ताकि जो है बीमारी दोबारा अपने यहाँ प्रवेश न कर सके। क्योंकि अभी फ़िलहाल तो कोई बीमारी कोई है नहीं अभी पॉजिटिव, लेकिन अभी कोई एक भी हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अच्छा है ये सरकार ने किया है, तो अगली बार हम फिर प्रोग्राम अच्छे से करेंगे। जहाँ 2 साल इंतजार किया है, मैं इस बार और इंतजार करूँगा। धन्यवाद।